नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। हल्दीबाड़ी के व्यापारियों ने स्टेट बैंक के प्रबंधक को ज्ञापन देकर किया स्टेट बैंक की हल्दीबाड़ी शाखा को जल्द प्रारंभ करने की मांग की है। आपको बता दें कि पूर्व में व्यापारी द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्य रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हल्दीबाड़ी व्यापार संगठन द्वारा गोदीपारा कुरसिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच में, जहाँ से हल्दीबाड़ी बैंक अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है, वहां के मेन गेट को रोककर सभी व्यापारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तथा जल्द ही शाखा को पुनः हल्दीबाड़ी में संचालित करने के लिए ज्ञापन दिया गया। यह भी चेतावनी दी कि यदि जल्द शाखा हल्दीबाड़ी में संचालित नहीं किया गया तो हल्दीबाड़ी के लगभग 500 खाते व्यापारी संघ संयुक्त रूप से बंद करवाएगा। व्यापारी संघ ने अपने ज्ञापन में कहा है कि बीते 1 फरवरी को हल्दीबाड़ी के कालसी दफाई में हुए भूस्खलन के बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हल्दीबाड़ी ब्रांच को बैंक प्रबंधक के द्वारा बंद कर दिया गया, जो कि आज 1 पखवाड़े से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आज तक उसे प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके कारण हल्दीबाड़ी के व्यापारियों और यहाँ के श्रमिक रहवासियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और संचालित नहीं किया जा रहा, जबकि जनप्रतिनिधि और लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? काम तो हम कर ही रहे हैं, सेवा के लिए कोई कमी नहीं है, कुरसिया में आके सब काम हो ही रहा है। लेकिन हाँ, अभी वो पूरा खतरा जोन में आ गया है, सभी वहाँ के आसपास पूरा खाली करा दिया गया है और हमारा प्रबंधन आके 2-3 बार मिल चुका है जीएम से, क्योंकि जीएम SCCL का बिल्डिंग है, जब SCCL हमको बिल्डिंग दे देगी बात चल रही है, फिर हम वहाँ चल। सर, ऐसे जानकारी आ रही कि बैंक के बाहर नोटिस लगाया गया है कि जो प्राइवेट लोन कुछ लोग अगर मकान देना चाहते बैंक के लिए तो वो आवेदन कर सकते हैं, जब 12 लोग आवेदन कर चुके फिर बैंक को वहाँ पे नहीं। SCCL अभी तो हमको SCCL ने बिल्डिंग दिया है, वो बोला भी है। तो नोटिस क्यों लगा है? वो बिल्डिंग कहाँ पे दिया है? दोनों तरफ प्रयासरत है, दोनों तरफ प्रयासरत है अपन। 12 लोगों का आवेदन भी बैंक में आ चुका है कि 12 लोग देने के तैयार है, लेकिन प्राथमिकता SCCL को ही है। SCCL ने क्या जवाब दिया? वो देने के लिए अपना ये कर दिया है, वादा किया है। व्यापारियों ने एक नहीं, व्यापारी भी साथ दें, हमारा साथ जी। ये कार्यवाही तो यहाँ के प्रबंधक ही बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे हल्दीबाड़ी व्यापारियों और आम जनमानस को हो रहा है, क्योंकि हल्दीबाड़ी की शाखा जो एक बहुत बड़ी शाखा है, वहाँ पे कई हज़ारों की संख्या में खाते खुले हैं, जिनका लेन देन कंटिन्यू वहाँ पे व्यापारी और वहाँ के जनमानस करते हैं, लेकिन वहाँ की शाखा को कुरसिया शिफ्ट कर देने से आम जनमानस को और वहाँ के व्यापारियों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी चीज़, बैंक प्रबंधन ने बोला कि हम 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर हम वहाँ पर अपनी कार्य शाखा पुनः प्रारंभ कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका कहना ये है कि हमको कॉलरी जमीन दे या कॉलरी मकान दे, तो भाई आपको जब कॉलरी जमीन देगी या मकान देगी तो आपने अपने बैंक के बाहर नोटिस क्यों लगा के रखा है कि जो भी व्यक्ति इच्छुक अपना मकान देने के लिए है या भवन देने के लिए है वो बैंक की शाखा से आके संपर्क करे। तो जब सारा चीज़ आपको कॉलरी के मत्थे करना तो आपने नोटिस क्यों टंगा के रखा है? और इतने दिन बीत गए हैं, आज आखिर हल्दीबाड़ी का व्यापारी परेशान क्यों हो भाई? कहाँ परेशान होके जाए, किसकी समस्या बताए? वो आज लाखों का लेन देन यहाँ का व्यापारी करता है, मान लीजिए यहाँ से अपना कैश लेके आ रहा है या वो जा रहा है, अगर बीच में अगर कोई अप्रिय घटना घट गई उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या बैंक प्रशासन लेगा उसकी जवाबदारी? बिल्कुल नहीं लेगा। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हमको आश्वासन नहीं, हमको ठोस रिजल्ट चाहिए कि हमारी शाखा अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर चिरमिरी में स्थापित हल्दीबाड़ी में नहीं होती है तो हम सारे व्यापारी, हल्दीबाड़ी की समस्त जनता 1000 से 2000 फॉर्म लेकर अपना खाता यहाँ से बंद करवाएगी ही। यह समूह जो चिनवी वासी है सबको मालूम है कि हल्दीबाड़ी की जो ब्रांच है करीब 1.25 से 1.5 महीने पहले वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, उसके कारण उस ब्रांच को अचानक बंद करने के बाद यहाँ कुरसिया ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि यह जल्द से जल्द वहाँ की ब्रांच को चालू किया जाएगा, नहीं भी चालू किया गया तो कहीं वहाँ पर अस्थायी रूप से आपको दे दिया जाएगा ट्रांजेक्शन करने के लिए, ताकि जो है पब्लिक जो वहाँ की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर पिछले 1.25 महीने से हम लोग जो है सिर्फ गोल घूमते चले जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इतने लेटर हमने सब जगह दे दिए, कहीं से कोई हमको
मतलब जो बोला जाए तो विश्वासपूर्ण जो आश्वासन है वो नहीं मिल पा रहा है। इस कारण हम लोग त्रस्त हो गए हैं और उसी के कारण आज हमें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है कि आज आके हम बैंक का घेराव करेंगे ताकि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो हम लोग से आगे ताकि बात करें और कुछ हमको ऐसा सही निर्णय लेने के लिए बताएं कि भाई क्या करना है आगे के क्या है, लिखित में आश्वासन हमको देंगे तभी हम लोग आज यहाँ से उठकर जाएंगे, अन्यथा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और हम लोग आज अपने साथ में लेटर भी लेके आए हुए हैं जिसमें कई हजारों आदमियों के साइन हैं जिनके खाते यहाँ पे हम सब आज बैंक में दे के अपने खाते बंद कराने के लिए भी उनसे आग्रह करने के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इसका निराकरण हो ताकि जो हमारी हल्दीबाड़ी की जनता है, हल्दीबाड़ी के जो व्यापारी हैं उनको कम से कम यहाँ इतना दूर आना जाने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। मैं आपके थ्रू भी यह निर्णय लेना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने मीडिया के थ्रू जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करिए ताकि यह हमारी जो समस्या है इसका निराकरण जल्दी हो सके। व्यापार संघ में कुल कितने व्यापारी हैं? व्यापार संघ में कम से कम 400 से ऊपर के व्यापारी हैं जो कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को मालूम चलता जा रहा है अपने अपनी दुकानें छोड़ के आते जा रहे हैं। कई लोग डिलीवर हैं तो लोग आ जा रहे हैं, कई लोग अपनी दुकानें बंद करके आ रहे हैं और ये समस्या सभी के लिए है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जाके अपना समय दें ताकि ये निराकरण का समाधान हो। जैसे कि सभी पता है कि पिछले 2 फरवरी को हल्दीबाड़ी में घटना घटी थी जिसकी वजह से वहाँ भूस्खलन हुआ था, तो हल्दीबाड़ी के स्टेट बैंक की जो ब्रांच है उसको खुरासिया संबंध किया गया था, बट हमें यह पूरा आश्वासन दिया गया था कि हम बहुत जल्द इसको चालू कर देंगे। लेकिन विगत आज 1.5 महीने हो गए हैं, बट हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हमने कई बार अधिकारियों से बात कर चुके हैं मगर हल्दीबाड़ी की ब्रांच को चालू नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हल्दीबाड़ी के प्रत्येक व्यापारी एंड प्रत्येक नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। यह संभव नहीं कि हल्दीबाड़ी के व्यापारी पर डे इतना सारा कैश लेके कुरासिया ब्रांच तक आ सके। अगर इस बीच कोई घटना घट जाती है तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? और हर घर में गाड़ी भी नहीं है कि वहाँ के व्यक्ति इतना 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ कुरासिया ब्रांच जा सके। हमारा विशेष निवेदन है, पूरे व्यापारियों के साथ निवेदन है कि हल्दीबाड़ी की ब्रांच को पुनः चालू किया जाए, वरना व्यापार संघ आक्रोश में आकर के वहाँ के कम से कम 1000 व्यापारी अपना खाता बंद करने के तैयार हैं। उनका साफ कहना है कि जब व्यापारी हर चीज़ में इतना सहयोग करते हैं तो आज हम व्यापारी इतना परेशान क्यों हों? आज पूरे व्यापारियों ने इस तरह का लिखित ज्ञापन दिया है जहाँ उन्होंने अपना बकायदा अकाउंट नंबर साइन तक किया है कि अगर हल्दीबाड़ी में पुनः ब्रांच चालू नहीं होता है तो हमारा खाता हल्दीबाड़ी स्टेट बैंक से बंद कर दिया जाए। हम पंजाब नेशनल बैंक या दूसरे बैंकों में अपना खाता खोल लेंगे लेकिन हम इस तरह से परेशान नहीं होंगे। देख सकते हैं हल्दीबाड़ी के ब्रांच में बकायदा रोज का कैश वहाँ स्टोरेज में रखा हुआ है, ब्रांच मैनेजर रोज वहाँ बैठते हैं, वहाँ रोज 2 से 3 जो अपने अधिकारी हैं वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे हैं। जब अधिकारी वहाँ बैठ काम कर सकते हैं, ब्रांच मैनेजर वहाँ रह के पूरे दिन रह सकता है, तो बाकी गतिविधि क्यों नहीं, फिर हमारा ट्रांजेक्शन वहाँ पर चालू क्यों नहीं होता?